श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ये दूसरा मेडिटेशन सेशन, इन दो बातों को कभी मत भूलना। लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या है। तो लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण, ये लक्ष्य है। और फिर उसको प्राप्त करने के साधन क्या है, तो जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होगी वो साधन है। तो कैसे होगी, पहले समझदारी से। जब हम कोई वस्तु समझदारी से स्वीकार करते हैं, माने कन्विंस हो गए हैं, उसके बाद उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अड़चने नहीं आएगी। जब हम कहते हैं ना ये बड़ा कठिन है, बड़ा डिफिकल्ट है, इसका मतलब यही है कि हमको उसका महात्म्य अभी मालूम नहीं हुआ। जैसे पैसे का महात्म्य हमारे दिमाग में है, इसीलिए कभी किसी व्यक्ति ने ये कहा है क्या, सोचा है क्या, पैसा कमाना कठिन है इसीलिए हम पैसा नहीं कमाएंगे। वो तो भिन्न भिन्न उसके लिए तरीके ढूंढ के निकालते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसमें एकदम स्पष्ट हो गए हैं, ध्यान का अभ्यास उसका लक्ष्य देहात्म भाव की निवृत्ति, यदि ये आपके हृदय में बैठ गई हो बात, तब हम अगली बार समझेंगे। नहीं तो वही बेजुनिचार करते रहो। अब सवाल यह है कि देह से अलग होना है माने क्या करना है। तो उसके लिए योगाभ्यास में अनेक बातें बताई है, एक बात हम देखने का प्रयत्न करेंगे। जब हमारा मन किसी सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो स्थूलता से हम दूर हो जाते हैं। देखो जैसे आप समझो कुछ कर रहे हो, गणित कर रहे हो, कुछ काउंटिंग कर रहे हो, जैसे आप समझो नोटों की गड्डी काउंट कर रहे हो, आप नहीं कर, दूसरा कर रहा है और आप वहाँ खड़े हो तो चुप नहीं बैठोगे, वो गिन रहा है। देखो इस समय अगला क्या कर रहे, कुछ नहीं कुछ नहीं, माने जहाँ हम किसी सूक्ष्म तत्व के तरफ चलते हैं स्थूलता से अलग हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो सूक्ष्म तत्व क्या है, हम देह से अन्य है, देह स्थूल है। अब ये सूक्ष्म तत्व की तरफ जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, अब ये देह का हमको आत्मभाव त्याग देना है। इसीलिए हम आके बैठे ध्यान के लिए, तो दुनिया छोड़ दी, स्थूल जगत छोड़ दिया, जितनी हमारी उपलब्धियां है, फ्रस्ट्रेशन है, वो छोड़ दिया और आके बैठे ध्यान के लिए। अब उसमें पहली स्टेप, जो भी कार्य हम प्रसन्नता से करते हैं उसमें थकावट नहीं आती, और जो कार्य प्रसन्नता से नहीं जबरदस्ती से करते हैं उसमें थकावट आती है। इसलिए हमको पहली बात इस अध्यात्म में चलने के लिए यही है कि हमको प्रसन्न रहना है। तो आके बैठे ध्यान के लिए एकदम चेयरफुल एंड हैप्पी, ऐसे नहीं यार फिर मेडिटेशन की क्लास ठीक है, नहीं, प्रसन्नता से।
दूसरी बात, कई बार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधकों के मन में किसी प्रकार का भय आ जाता है। उस भय के दो प्रकार हैं, कहीं मेरा सत्यानाश तो नहीं होगा, और दूसरा ये है कि मुझे कौन बताएगा, मुझे मालूम ही नहीं कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या करना है। ये दो भय निकलने के लिए अपने हृदय में ऐसी भावना करें कि हमारे हृदय में हमारे गुरु महाराज और भगवान विराजमान है। तो भगवान हमारी अंदर से रक्षा करते हैं और गुरु महाराज हमको अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। वहाँ कोई और नहीं है, आप अकेले हो। देखो वहाँ GPS नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ। तो ये दो बातें हो गई, प्रसन्न है और अपने हृदय में हमारे इष्ट देवता और हमारे गुरु महाराज। देखो आप कितने सूक्ष्म हो गए हो। अब तीसरी बात, हमको इस समय अपना पूरा भूतकाल जो है उसको त्याग देना है, 100% भूतकाल का त्याग। इसके लिए ये धारणा करनी है कि इस समय मैं नोबडी हूं, आई एम नोबडी। क्योंकि समबड़ी को कोई ना कोई विचार आएंगे, तो नोबडी का तात्पर्य हमने अपना पूरा भूतकाल समाप्त कर दिया है। नोबडी रहने से हमने मन को भूतकाल में जाने से रोक लिया। और फिर एक और बात, ध्यान होने के बाद हम क्या करेंगे इसका कभी संकल्प मत लेना। मेडिटेशन के बाद हम लोग चाय पियेंगे तो चाय बनाने में लग जाओगे, या मेडिटेशन के बाद जाएंगे और नहाएंगे तो पूरा आपका जो ध्यान है वही बाल्टी में पानी नहीं है ये नहीं, उसी में लगा रहेगा। कोई संकल्प नहीं लेना कि ध्यान के बाद हम क्या करने वाले हैं। तो इस समय हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। अब ना भूत है ना भविष्य है, भूत भविष्य देह को लेकर के होता है, अपने को लेकर के नहीं होता। अब शरीर को ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे रिलैक्स करना है, एक एक अंग, सर, कपाल, आंखें, एक एक अंग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, शरीर, छाती, पेट, पीठ, पैर, रिलैक्स करना माने शरीर रिलैक्स नहीं होता। शरीर तो अपने में जड़ है, रिलैक्स होता है मन। माने मन ने देह के आकार का त्याग कर दिया है।
अब देह का आकार जितनी मात्रा में कम होता जाएगा, धुंधला होता जाएगा, उतनी मात्रा में अंदर और बाहर इस कल्पना का अंत होगा। अंदर बाहर के कल्पना का त्याग माने दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय, भोक्ता भोग्य, ये भ्रांति समाप्त हो गई। अब केवल ज्ञान मात्र है, अब केवल अनुभव मात्र है, किसी का ज्ञान नहीं, किसी का अनुभव नहीं। क्योंकि मन ने देह का आकार त्याग दिया है तो विचार करने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है। विचार के संदर्भ होते हैं विषय या व्यक्ति से संबंध प्रस्थापित करके एक व्यक्तित्व का जन्म होना। किंतु अब कोई संदर्भ नहीं, बिना प्रयत्न के मन निर्विकार और निराकार हो रहा है। इसमें
सब अनुभव जैसे के वैसे ही हो गए, गर्मी ठंडी, शब्द शब्दों की अनेकता, लेकिन इसके कारण भोक्ता या श्रोता निर्माण नहीं होगा। अन्यथा यह जड़ समाधि या निद्रा होगी। इस स्थिति में जितनी सहजता से हम रह सकते हैं उतना हमारा देहात्म भाव कम हो रहा है। कुछ विशेष अनुभूति की अपेक्षा न करें, कुछ प्रकाश दिखेगा, कुछ घंटा नाद सुनने को आएगा, इन सब से अब हम बाहर चले गए। ये अनुभव आकाश के जैसा है, आकाश सबका आधार है, किसका तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। समझो मन में विचार आते भी है तो भी विक्षेपित होने की आवश्यकता नहीं। और विशेष रूप से अपने आप से बोलना बंद कर दें। और शांति का श्रवण करें।
माने शब्दों के प्रति उदासीन रहे।
अपने आप से नहीं बोलना, जहां हम कुछ बन जाते हैं अपने आप से बोलना शुरू करते हैं। और फिर मन देह के आकार को ग्रहण करके एक व्यक्तित्व बन जाता है। विचार बिना शब्दों के नहीं उठ सकते। और इसीलिए स्वयं से न बोलना और शांति का श्रवण करना, इसके द्वारा हम शब्दों के परे माने शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हैं। और यह जो चेतना है एक किसी की विरोधी नहीं है, धीरे से गहरी सांस लेना और देखो किस प्रकार से हमारे मन ने देह के आकार को ग्रहण कर लिया है।
हाथ पर हिला लो, उंगलियां हाथ की पैर की, और अब जो हमारा पहला अनुभव था जहाँ हम निराकार रूप में थे, उस समय शरीर का भान भी नहीं था, और अब फिर देहात्म भाव हो गया, इसको समझने के लिए ये अभ्यास थोड़े थोड़े समय के लिए करें, 10 मिनट के लिए, और फिर गहरी सांस ले करके फिर देहात्म भाव में आ गए, और फिर ये जगत का अनुभव होने लग गया, और फिर हमको वापस इसका अभ्यास करना है। तो शांत बैठ लिए, प्रसन्न है, नो बड़ी ध्यान के बाद क्या करना है इसका कुछ संकल्प नहीं, तो भूत भविष्य समाप्त तो हो गया, शुद्ध वर्तमान में विचार नहीं उठ सकते, विचार हमेशा भूत भविष्य को लेकर के भूत भविष्य का त्याग माने देहात्म भाव का त्याग। देखो फिर से आप कैसे अपने निराकार रूप में वापस आ रहे हो, भूताकाश की धारणा से ये पंचभौतिक सृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है, चित्ताकाश की धारणा से वृत्तियों का तूफान हमको स्पर्श नहीं करता, स्थूल आकाश स्थूल जगत से स्पर्शित नहीं होता, चित्ताकाश वृत्तियों से स्पर्शित नहीं होता, और चिदाकाश में व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल अभिव्यक्ति रहती है।
इसमें कुछ लाभ नहीं है, ये कोई अचीवमेंट भी नहीं है। इसमें केवल त्याग ही त्याग है। जब विषय सामने है तो इंद्रियों को कुछ मिलता नहीं, विषय नहीं है तो इंद्रिय कुछ खोते नहीं, क्योंकि इंद्रिय केवल प्रकाशक है। प्रकाशक को लाभ हानि नहीं होती। वैसे ही सुख दुख इनका प्रभाव न होने से हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। इसमें ना तो सुख की प्राप्ति है ना दुख की निवृत्ति है।
रोज इसी प्रकार की बातें नहीं हो सकती। ध्यान कभी भी रिपीट नहीं होता। हर रोज मन की स्थिति, जिम्मेदारियां, इनका प्रभाव मन पर रहता है। इसीलिए कभी जप किया, कभी प्राणायाम किया, कभी पाठ किया, ये सब करके लक्ष्य एक ही है, देहात्म भाव की निवृत्ति। इसीलिए केवल शांत बैठ कर के ही ध्यान होता है, इस भ्रांति का त्याग दे। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी ध्यान है। यदि मन उस नाम को छोड़ कर के कहीं नहीं जा रहा है, तो कभी कभी मन वो भी नहीं करना चाहता है, तो कुछ पढ़ लो, कुछ भजन सुन लो। धीरे धीरे अनेक प्रकार से लक्ष्य एक ही है, मन का देहात्म भाव निकाल देना है। और उसका अर्थ, ध्यान कभी असफल नहीं होता। और ध्यान में कुछ लाभ भी नहीं होता। लाभ हानि के परे, सुख दुख के परे, जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव को कहते हैं ध्यानमय जीवन। और इसमें रह करके जो नित्य निरंतर हमारे कार्यकलाप है, सुबह से शाम तक के जो जो हमारी ड्यूटीज़ है, सबको निभाते हुए व्यक्ति ध्यानमय जीवन जी सकता है। इसी को सीखना है, इसी को समझना है। नहीं तो आधा घंटा मेडिटेशन करे और दिन भर भौं भौं करते रहे, यह साधना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।